मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 के लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। बच्चों इसमें आज हम पहला प्रश्न बता रहे हैं, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, रेशे क्या होते हैं। रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होंगे जो रेशे हमें पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकुनों तथा पौधों के बीजों और तनों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक जीवों से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चे, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है जंतु रेशे, सेकंड है पादप रेशे। जंतु रेशे क्या होंगे, वे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होंगे वे जंतु रेशे कहलाएंगे। सेकंड, वे रेशे जो पादप जीवों पौधों से प्राप्त होते हैं वे पादप रेशे कहलाएंगे। जैसे कि पादप रेशा कौन सा है, जैसे कपास, ठीक है बेटा, जूट, तो ये क्या है, पादप रेशे हैं। जंतु रेशे क्या कहलाते हैं, जैसे कि भेड़ों के बालों से प्राप्त रेशे, ये क्या कहलाते हैं, जंतु रेशे कहलाते हैं। बी क्या है, कृत्रिम रेशे, वे रेशे जो विभिन्न प्रकार के रसायनों तथा अम्ल और पेट्रोलियम द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। नायलोन, रेयोन, पॉलिएस्टर। नायलोन क्या होता है, बहुत मजबूत रेशा होता है, रेयोन भी मजबूत रेशा होता है, पॉलिएस्टर भी एक बहुत मजबूत रेशा होता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है बच्चों। थैंक यू।